आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश में जीत का सपना सभी राजनीतिक दलों का है। सत्ता पर काबिज भाजपा जहां फिर से 2017 का इतिहास दोहराना चाहती है, तो वहीं सपा भी कड़ी चुनौती देती दिखाई दे रही है। कांग्रेस भी लगातार आधी आबादी के साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बसपा जो चुनाव प्रचार में उतनी सक्रिय नहीं दिख रही है जितने की अन्य दल, लेकिन अब बसपा चुनावी मोड में आती नजर दे रही है, जिसका आगाज भी आगरा से होगा। देखिए रिपोर्ट। यूपी चुनाव को लेकर सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और अब सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रहे हैं। साथ ही प्रचार अभियान की रफ्तार भी दोगुनी कर दी गई है। भाजपा, सपा, कांग्रेस सभी दल लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और बड़े बड़े नेताओं को अभियान में आगे ला रहे हैं। वहीं चुनावी रण में कम सक्रिय दिख रही बसपा भी अब चुनावी मैदान में खुलकर टक्कर देने को तैयार है। यूपी में 7 चरणों में मतदान होने हैं, जिसमें पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होगी, तो वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव से ठीक 8 दिन पहले आगरा में चुनावी जनसभा करने जा रही हैं। हालांकि कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने फिलहाल नेताओं को जनसभा या रोड शो करने की इजाजत नहीं दी है। बता दें कि इसकी जानकारी पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सोशल मीडिया पर दी। पार्टी महासचिव ने कहा कि अवगत कराना है कि दिनांक 2 फरवरी 2022 को बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आगरा में कोविड नियमों का पालन करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगी। उन्होंने कहा कि जनसभा का समय और स्थान, आगामी जनसभा की सूचना शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज नहीं किया है। चुनाव तारीखों का ऐलान से पहले जहां बीजेपी और सपा ने अपनी बड़ी रैलियां की, तो मायावती इस दौरान शांत दिखाई दी। मायावती की निष्क्रियता को लेकर उनके वोटर्स ही नहीं, राजनीतिक जानकार भी हैरान हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर मायावती सक्रिय बनी रही और अब चुनाव से ठीक पहले मायावती की आगरा में होने वाली जनसभा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्राइम टीवी के लिए विकास मिश्रा की रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं, वैसे वैसे अब सभी राजनीतिक दलों के हलचलें तेज होती दिखाई दे रही है। वहीं अब बसपा भी चुनावी मोड में आ चुकी है। ऐसे में आगामी चुनाव में बसपा को कितनी सीटें मिल पाती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया के बाकी के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।